तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार शो है, जिसे भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के जिस जिस देश में भारतीय रहते हैं वहां भी पसंद किया जाता है। इस शो के बारे में बताएं तो यह शो पिछले 14 सालों से आ रहा है, लेकिन दिन प्रतिदिन इसकी लोकप्रियता घटने की वजह बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो इन दिनों काफी मुश्किल दौर से गुजर रहा है, इसीलिए शायद अब इस शो को बंद करने की भी नौबत आ गई है, जिसके चलते अगले कुछ दिनों में शो बंद हो सकता है। अगर सीधे शब्दों में बोला जाए तो तारक मेहता के शो पर संकटों के बादल छाए हुए हैं, जिसके चलते शो की टीआरपी और लोकप्रियता दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि पारिवारिक समस्याओं की वजह से दयाबेन का किरदार निभाने वाली दिशा वकानी ने शो को अलविदा बोल दिया था, जिसके चलते शो की टीआरपी काफी कम हो गई थी। जैसे तैसे करके शो की टीआरपी फिर से ठीक हुई थी, लेकिन फिर शो में नट्टू काका का किरदार निभाने वाले घनश्याम नाइक का स्वर्गवास हो गया, जिसके चलते भी शो की टीआरपी में काफी गिरावट आई। हाल ही में शो में जेठालाल का महत्वपूर्ण किरदार निभाने वाले दिलीप जोशी का भी एक ऐसा बयान सामने आया, जिसमें वह शो छोड़ने की बात बोल रहे हैं। यह बात सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जेठालाल ने शो को छोड़ा तो मेकर्स को शोज को बंद करना ही पड़ेगा। तारक मेहता शो का अगर कोई किरदार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है तो वह सिर्फ जेठालाल का किरदार है, जिसे सभी लोग काफी पसंद करते हैं। हाल ही में जेठालाल का किरदार निभाने वाले दिलीप जोशी ने शो को छोड़ने को लेकर एक बयान दिया है, जिसके चलते वर्तमान समय में हर जगह इन्हीं की बातें हो रही हैं। आपको बता दें कि दिलीप जोशी ने कहा कि जिस दिन इस शो से उन्हें इंटरेस्ट आना बंद हो जाएगा या फिर वो कहेंगे कि शो की स्क्रिप्ट उन्हें पसंद नहीं आई, उसी दिन वह शो को अलविदा बोल देंगे। इसी के चलते शो के लिए यह अच्छी खबर नहीं है कि जेठालाल का किरदार निभाने वाले दिलीप जोशी जी शो को अलविदा बोलें।